हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज आई हूँ फूड ब्लॉगिंग करने। मैंने एक रेस्टोरेंट में आई हूँ जो कि मैं फेसबुक में देखी थी, बहुत ही रिव्यू। तो 199 में कॉम्बो था, मतलब दो जन खा सकते 199 कॉम्बो में। तो अभी मैंने फ़ोन करके पूछा है तो अभी 199 वाला है नहीं, वो अभी हो चुका है 229, मतलब 30 रुपये बढ़ चुका है। तो ये रेस्टोरेंट जो है एकदम ही बोल सकते हैं एक साइड मोड़ से सीधा दाएं तरफ आके, मतलब बेलव्यू नर्सिंग होम के एकदम अपोजिट में ये है रेस्टोरेंट। तो इसका नाम है द सिटी ऑफ ओक। तो चलिए अंदर जाके देखते हैं कि खाना कैसा है और इसका रिव्यू जो दिखाई दे रहा है वो एक्चुअली में अच्छा है या नहीं। तो चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पे आ चुका है सिटी ओक का जो मेनू कार्ड। तो मेनू में ये आप लोग इंडिविजुअली सब कुछ मंगवा सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग जिस वजह से आए हैं वो है कॉम्बो खाने के लिए। तो कॉम्बो में ये है, कॉम्बो में ये जो दे रहे हैं वो है एक स्वीट कॉर्न सूप, स्टार्टर में 6 पीस 1 टन, और मेन कोर्स में है जिंजर कप राइस जो कि पहले ये लोग दे रहे थे 199 रुपीज़ में, सिंपल सा वेज राइस। तो यहाँ पे कैप्सिकम जिंजर वाला राइस दे रहे हैं अभी, और हक्का नूडल्स वो भी वेज है, और चिकन मंचूरियन 5 to 6 पीस, फिश हॉट गार्लिक सॉस 4 पीस, डेजर्ट में गुलाब जामुन 2 पीस दे रहे हैं। तो चलिए ये खाना ऑर्डर करते हैं, देखते हैं कैसा खाने में है। गाइस, यहाँ पे एक जगह पे मैं बैठ चुकी हूँ और ये बहुत ही फोटोजेनिक वाला स्पेस है, आप लोग आइए यहाँ पे और फोटो भी अच्छे से खींच सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने भैया से पूछा कि 199 रुपीज़ में जो था उसका जो क्या बोलते हैं मेनू जो था वो थोड़ा बहुत अलग भी था, ये वाला मेनू था ही नहीं। तो इसमें मतलब 229, 30 रुपीज़ ज़्यादा दे के आप लोग को जो मिल रहा है वो है स्टार्टर में 6 पीस 1 टन मिल रहा है, जो कि एक्चुअली में पहले देते थे 4 पीस, और बाकी जो नूडल्स वगैरह था सभी कुछ ही वेज था। और अलग क्या था भैया, डिफरेंस हो गया, मतलब जिंजर, यहाँ पे जिंजर कैप्सिकम राइस अभी ये लोग दे रहे हैं, लेकिन पहले क्या था नॉर्मल राइस था पहले, तो अभी दे रहे हैं जिंजर राइस, तो इसलिए थोड़ा बहुत जो है चेंजेस है। तो इसलिए चलिए खाना आता है, उसके बाद देख के टेस्ट करके आप लोगों को बताएं। तो गाइस, यहाँ पे आ चुका है हम लोगों का पहला सूप, ये रहा एक स्वीट कॉर्न सूप। आप लोग पूरा लेके आइए तो मैं पूरा आप लोगों को दिखा देती हूँ कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि 229 रुपीज़ में एक्चुअली में कितना अमाउंट का डिश वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए, गरम गरम है, जल्दी से खा लेते हैं। कैसा है? हेल्दी सूप। हेल्दी सूप बहुत कुछ है इसमें। हाँ, क्या क्या है दिखाओ। कॉर्न है, कैरेट है, एग है, और ये जो सूप है उसका मतलब ग्रेवी टाइप से, मतलब बहुत डेंस है। तो गाइज़, हम लोगों का पूरा खाना आ चुका है, देख सकते हैं। यहाँ पे है नूडल्स और उसके साथ 3 1 टन,
और यहाँ पे रहा फ्राइड राइस, उसके साथ मेरा ये तीन वॉन्गटन, और ये वेलकम ड्रिंक है, और ये है, देखना पड़ेगा, ये फिश है, ये फिश हॉट गार्लिक है, और ये है चिली चिकन, चिकन मंचूरियन, तो ये है चिकन मंचूरियन, और इसके साथ आ चुका है दो गुलाब जामुन, और सूप तो हम लोग ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुके हैं। चलिए खा के बताते हैं। साइड का जो लेयरिंग है थोड़ा पतला है, और अंदर का ये अंदर है। फिश का आइटम जो है छोटा छोटा पीस है, जो कि चार पीस है। रिफ्रेशिंग वाला है, ग्रेवी का जो टेक्सचर है बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और चिकन यहाँ पे भी छोटा छोटा पीस है, चार पीस नहीं, यहाँ पे पांच पीस है। तो चलिए इसे अभी ट्राई करते हैं। एकदम चाइनीज रेस्टोरेंट में जैसा आप लोगों को मैं बनता है, स्वादिष्ट, एकदम स्वादिष्ट है, मतलब टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। हाँ, टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आने के वर्थ इट हुआ? हाँ, आप लोग यहाँ पे ये कॉम्बो जरूर लीजिए, क्योंकि 229 रुपीज है, आप दो जन खा सकते हैं, और इतना सारा चीज, और क्योंकि सूप भी है, तो सूप खाने से क्या होता है, पेट थोड़ा भर जाता है, इसलिए आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। तो गाइस ऑलमोस्ट हम लोगों का पूरा खाना हो चुका है, और मंचूरियन जो था थोड़ा तीखा था, तो इसलिए ये एक्चुअली अभी काम में आएगा। तो चलिए इसे अभी काट के दिखाती हूँ, ये साइड कर दूंगा। ये रहा गुलाब जामुन, सॉफ्ट है एकदम। चलिए सिर्फ थोड़ा सा ट्राई करते हैं, बहुत अच्छा है, अंदर से गर्म भी है बहुत। तो मंचूरियन इतना तीखा था, मैं तो मास्क नीडेड था, नहीं तो मैं सोची थी भाई को ही पूरा दे दूंगी, क्योंकि मुझे मीठा ही उतना पसंद नहीं है। तो चलिए पेमेंट कर लेते हैं, उसके बाद अब लोगों से बाहर जाके मिलते हैं। तो गाइस फिलहाल हम लोग बाहर आ चुके हैं, और ऑलमोस्ट पेट हम लोगों का 80% तो भर चुका है। 100% नहीं बोलूँगी, क्योंकि हम लोग चाइनीज़ खाने जिस अमाउंट के लिए जाते हैं वो अमाउंट तो नहीं है। तो गाइस जिस अमाउंट हम लोग खाते हैं उस अमाउंट के हिसाब से हम लोग पैसा भी देते हैं। तो उस हिसाब से पैसा तो मैंने 229 में दो जन बहुत ही अच्छा है, और आप लोग चार पांच डिश जो है वो ट्राई कर रहे हैं, तो इस हिसाब से मुझे ये जगह अच्छा लगा है। हाँ, 199 में जब था मुझे वो एक्चुअली वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा था, तो 30 रुपये ही बड़ा है। प्राइस के हिसाब से जो अमाउंट दे रहे ठीक ही दे रहे, और जो डिश दे रहे उस पे मैटर करता है। हाँ, टेस्ट वाइज बहुत अच्छा है, मतलब तो प्लेन भात वो सब नहीं दे रहे, नहीं दे रहे, और पहले जो दे रहे थे सिंपल राइस दे रहे थे, वेज राइस, तो अभी जो है जिंजर कैप्सिकम वाला, फिश भी इंक्लूडेड है, चिकन फिश पहले भी था मैंने देखा है मेनू में, पहले जब इन लोगों का जो है मेनू फेसबुक में दिया था, या फिर मुझे इंस्टाग्राम में मिला था, तब चिकन फिश दोनों ही इंक्लूडेड था।
थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, जैसे वॉन्टन जो है वो पहले 4 पीस दे रहे थे, अभी 6 पीस दे रहे हैं। तो चलिए गाइस, अगर आप लोगों को आज का ये फूड ब्लॉगिंग अच्छा लगा हो और मेरा ये रेस्टोरेंट का खाना रिव्यू अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आप लोगों को ऐसे ही बहुत सारे जगह का कॉम्बो वाले स्पेशल रेस्टोरेंट का जगह का अगर खोज चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं कोशिश करूँगी कि ढूंढ के निकालूँ और वहाँ पे जाके वहाँ का जो फूड है वो एक्सप्लोर करूँ। तो चलिए गाइस, बहुत बकबक हो गया, अभी वीडियो से विदा लेते हैं, मिलते हैं बहुत ही जल्द। टिल देन गुड नाइट, नहीं गुड नाइट तो नहीं है, अभी अभी आदत हो चुकी है ना। टिल देन गुड बाय।